जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सभी तरह के बॉक्सेस एक ही साइज़ के हैं, अलग अलग। कोई टॉप बॉटम है, कोई स्लाइडर है, कोई टॉप बॉटम अटैच वाला है। ये सभी कापा बोर्ड में बनाए गए बॉक्सेस हैं, और इस तरह के बॉक्सेस का इस्तेमाल आमतौर से शिलाजीत और केसर जैसे प्रोडक्ट्स की पैकिंग के लिए किया जाता है। जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये जो बॉक्स है, ये इसमें टॉप और बॉटम अटैच रहता है, और इसमें जो अंदर की ये ट्रे देख रहे हैं, इसके अंदर होल के अंदर शीशी चला जाता है। ये तो खैर अलग साइज़ का है, ये इस तरह से। और ये जो रबर दिया गया है, इसमें आपका स्पूल लग जाता है। तो एक तो ऐसा है, दूसरा ये टॉप बॉटम है, इसमें भी ये शीशी अंदर यहाँ चली जाएगी, और ये अलग से पेपर एक दिया गया है, उसमें स्पून को लगाने के लिए दिया गया है। यहाँ स्पून लग जाता है, और इस स्पून को आप यहाँ ऐसे डाल करके, और फिर आप इसमें इसको बंद कर देते हैं। तो ऐसा टॉप बॉटम बनाया जा सकता है, अटैच में बनाया जा सकता है, या फिर आप इस तरह से स्लाइडर बॉक्स भी बना सकते हैं। इसमें भी अंदर पेपर की ट्रे डाली गई है, और यहाँ ये शीशी आ जाता है, यहाँ पे रबर लगेगा। अभी रबर लगा हुआ नहीं है, लेकिन ये रबर लग जाएगा। तो इस तरह से ये आप स्लाइडर बॉक्स भी बना सकते हैं, कस्टमाइज प्रिंट के साथ, और अलग अलग साइज़ में, अलग अलग क्वांटिटी के अंदर। ये आपको कॉस्ट डिपेंड करता है, जितनी लार्ज क्वांटिटी होगी उतना कम प्राइस में हम आपको इस तरह के बॉक्सेस कस्टमाइज प्रिंट के साथ बनाकर दे सकते हैं।